हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीर और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्निक्स। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं दो सार्पी को एक डीएमएक्स 512 के साथ कनेक्शन और उसका प्रीशेट वगैरह कैसे बनाया जाता है आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो दोस्तों, इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट हो, वीडियो को जरूर एक लाइक शेयर और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। इस तरह की बहुत सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अगर आपके पास एक डीएमएक्स 512 है और दो 7R सार्पी है तो आप उसको एक बेसिक लेवल पे कैसे चलाएंगे। अगर आपको कुछ भी इसके बारे में ना आता हो तो बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे आप इसको कैसे चला पाएंगे और इसका प्रीसेट्स वगैरह कैसे कर पाएंगे आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और ये प्रोसेस बहुत ही इजी रहेगा। इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ एड्रेसिंग के साथ छेड़खानी करनी नहीं है। हमें 001 पे एड्रेस रखना है दोनों सार्पी का। पहले हम इसका एक समान लाइट और रोटेशन करके दिखाएंगे और दूसरे प्रीसेट में हम दोनों को अल्टरनेट भी करके दिखाएंगे। कनेक्शन में पहले आपको एक सार्पी के साथ दूसरे सार्पी को लिंक करना होगा। उस सार्पी से आपको एक लिंक डीएमएक्स के साथ भी करना होगा। यहां पे कनेक्ट होने के बाद आप डीएमएक्स को और सार्पी को पावर सप्लाई देंगे। सार्पी अपना रन मोड में आने के लिए थोड़ा सा उसको टाइम लगता है, लगभग 2 मिनट तक लग जाता है। अभी ये दोनों सार्पी बिल्कुल रेडी है। 001 एड्रेस के साथ ये एड्रेसिंग इसका हो चुका है और डीएमएक्स को उसके बाद आप ऑन कीजिए। अभी इसको हम दो स्टेप में सीखने वाले हैं। पहले में दोनों का एड्रेस सेम रहेगा, दोनों का रोटेशन एक समान रहेगा। दूसरा स्टेप में हम इन दोनों को एक दूसरे के ऑपोजिट अल्टरनेट रन करवाएंगे सेम एड्रेस के ऊपर। सो इससे क्या होगा, दोनों का जो रोटेशन है वो एक दूसरे के अल्टरनेट होगा। सो चलिए ये दोनों बेसिक प्रीसेट्स हम करके देख लेते हैं। सो फिलहाल ये अभी दोनों अल्टरनेट नहीं किए गए हैं तो सेम रोटेशन हम एक बार करके देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एड्रेस जो है 001 पे रखा है, साइड में आपको जो 12 बटन्स दिख रहे हैं उनमें से पहला वाला बटन जो है बटन नंबर 1, वो 001 के साथ उसका एड्रेस लिंक होता है। और अगर हमें एक प्रोग्राम को सेव करना है तो हमें प्रोग्राम का जो बटन है उसको प्रेशन होल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो डिस्प्ले है वहाँ पे एक इंडिकेटर आपको ब्लिंक होता हुआ दिखाई देगा। हमें 1 को क्लिक करना होगा और जैसे ही हम 2 और 3 का फेडर को ऊपर उठाते हैं तो हमारे SRP में लैंप आना स्टार्ट हो गया है। अगर इसी बीम को हम रोटेट करवाना चाहें सेम कलर के साथ तो हमें यहाँ पे पेज सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम इसके दूसरे पेज में जाएंगे और वहां से हम इसको पैन और टिल्ट भी कर पाएंगे। जैसे हम दूसरे पेज में जाने के बाद फेडर नंबर 2 जो है वो आपका पैन का है, फेडर नंबर 4 जो है वो टिल्ट का है। तो स्टार्टिंग में कलर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे ही आपका 2 और 3 में 2 और 3 का फेडर उठाने से आपका लैंप आना स्टार्ट हो जाएगा, देन आप 1 का फेडर को ऊपर उठा के उसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं और 4, 5, 6 इन सब फेडर का यूज करके आप फ्लैश इफेक्ट, गोवो, विल, प्रिज्म ये सारे इफेक्ट्स को भी ला सकते हैं। और ये सब जानने के बाद अगर आपको कोई भी कलर, कोई भी इफेक्ट को कोई अलग अलग मोशंस में सेव करना है देन आपको इसके लिए पहले आपको प्रोग्राम में जाना होगा। जैसे कि हम प्रोग्राम का बटन प्रेस एंड होल्ड करके प्रोग्राम मोड में जा चुके हैं। अगर उसके बाद आपको कोई भी मूवमेंट में इसको रखना है
सीन नंबर वन के लिए, तो आप पेन और टिल्ड का फेडर को यूज करके उस जगह पे उसको रख सकते हैं। और उसके बाद आपको जो भी बटन में वो सीन को सेव करना है, एड मिडी एक बार दबाने के बाद सोचिए वन में आपको रखना है, तो वन क्लिक करेंगे, इससे वो वाला बटन में वो वाला सीन सेव हो चुका है। अभी अगर आपको दूसरा मूवमेंट एक लेना है तो आप उसको पेन या फिर टिल्ड करके आप दूसरा मूवमेंट में उसको लेके रख सकते हैं, और एड मिडी टू दबाने से आपका वो वाला सीन बटन नंबर टू में आपका सेव हो जाएगा। इसी तरह से अलग अलग मूवमेंट और लैम्प इफेक्ट्स आप ले सकते हैं और उनको अलग अलग बटन में ऊपर में आपके जो आर्ट सीन के लिए बटन्स दिए जाते हैं वहाँ पे सेव कर सकते हैं। सो इस तरह से आप अलग अलग मूवमेंट्स ला सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका सारे प्रीशेट्स, सारे सीन्स आप सेव करने के बाद आपको ब्लैकआउट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट आपका DMX कंट्रोलर को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है। देन आप जैसे ही उसी प्रोग्राम के सीन्स में जाएंगे तो आपको वो सारे प्रीशेट्स ऊपर में जो बटन्स हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जो मूवमेंट्स और लैम्प इफेक्ट्स मैंने डाला था वो सारे इफेक्ट्स इस सीन में अभी आ चुके हैं। ऐसे करके आप अलग अलग मूवमेंट्स अलग अलग कलर्स के साथ इफेक्ट के साथ सेव कर सकते हैं। जैसे कि हम इसका जो एडवांस प्रीसेट्स है, जैसे चेसिंग में इसको कैसे लाएं, अलग अलग एड्रेस के ऊपर अलग अलग सार्पीस को कैसे रन करवाएं, इसको आगे आने वाले वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर आपको इस प्रीसेट्स को इंस्टेंटली चलाना है तो आपको उसके लिए करना होगा ऑटो डेल का जो बटन है उसको एक बार क्लिक करने के बाद एंड में जो दो फेडर हैं उनमें से पहला वाला फेडर को आपको ऊपर उठाना है और देन उसके बाद वो सारे आठों के आठों सीन्स वन बाय वन उसके अंदर चलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको चेसिंग में भी उसको लाना नहीं पड़ेगा और चेसिंग का जो है आगे चल के कवर करने वाले हैं बहुत जल्दी। अगर हम इन दोनों सार्फी को ऑल्टरनेट करके चलाना चाहें तो उसके लिए हमें इन दोनों सार्फी में से एक सार्फी के सेटअप मोड में जाना होगा और वहां पे जाने के बाद आपको पैन इन्वर्ट जो है उसको नो की जगह यस कर देना है। इससे क्या होगा, आपका जो पैन का मूवमेंट है एक सार्फी का वो दूसरे सार्फी से बिल्कुल ऑपोजिट चलना स्टार्ट हो जाएगा। इससे आपको दोनों का मूवमेंट एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप बिल्कुल बेसिक में हैं, आपको इतना ज़्यादा प्रीसेट्स वगैरह बनाना नहीं आता, तो आप ये दो मेथड का यूज़ करके भी आप इंस्टेंटली अगर आप सार्पी खरीदे हुए हैं तो बिल्कुल चला सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते होंगे यहाँ पे ये दोनों सार्पी एक दूसरे के ऑपोजिट इनका पैनिंग हो रहा है। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं जो सीन्स हमने सेव किया हुआ था वो सारे सीन्स ये दोनों सार्पी में एक दूसरे के ऑपोजिट में ये हो रहा है उनका पैनिंग। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये बेसिक प्रीसेट्स समझ में आया होगा। इसका और एक ट्यूटोरियल हम करने वाले हैं एडवांस में। सो दोस्तों, उस वीडियो का वेट कीजिए और कमेंट करके बताइए और आप किस टाइप के वीडियोस देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में दो सार्पी को एक DMX 512 के साथ कैसे कनेक्शन होता है, उसका प्रीसेट एक बेसिक लेवल पे कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हमने कवर किया। और आगे चल के हम इसका एडवांस जो प्रोग्राम अलग अलग करके कैसे किया जाता है इसको भी कवर करने वाले हैं। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, सी यू सून।